स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर प्रेम चोपड़ा जी, जिन्होंने ज़्यादातर मूवीज में निगेटिव रोल्स किए हैं, इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेम चोपड़ा जी की डेब्यू मूवी आई थी सन 1960 में, जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुनील दत्त, आशा पारिक, जॉय मुखर्जी, प्रेम चोपड़ा। इस मूवी को अब एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में, जिसका नाम था डॉक्टर विद्या। इसमें वैजंती वाला, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, नाजिर हुसैन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में, मैं शादी करने चला। इसमें फिरोज खान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, ऐश्वर्या अवर थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में, जिसका नाम था वो कौन थी। इसमें मनोज कुमार, साधना, प्रेम चोपड़ा, हेलन थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, जिसका नाम था शहीद। इसमें मनोज कुमार, कामनी कौशल, निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, सिकंदर आजम। इसमें पृथ्वीराज कपूर, दारा सिंह, वीना, मुमताज, प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1965 में, जिसका नाम था निशान। इसमें संजीव कुमार, नाजमा, हेलन, प्रेम चोपड़ा। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, जिसका नाम था पूनम की रात। इसमें मनोज कुमार, नंदिनी, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ थे। अगली मूवी आई थी 1966 में, जिसका नाम था मेरा साया। इसमें सुनील दत्त, साधना शिवदासानी, प्रेम चोपड़ा, केएन सिंह थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1966 में आई थी कुमारी। इसमें अमिता, मुमताज बेगम, प्रेम चोपड़ा, जीवन लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी 1966 में सगाई। इसमें बिस्तरी चटर्जी, राजश्री, रहमान, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में तीसरी मंजिल। इसमें शम्मी कपूर, आशा पारिक, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1967 में आई थी लाड साहब। इसमें शम्मू कपूर, नीतन, नूतन, प्रेम चोपड़ा, ललिता पवार, ओम प्रकाश थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1967 में आमने सामने। इसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी थी। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1967 में आई थी उपकार। इसमें मनोज कुमार, आशा पारिक, प्रेम चोपड़ा, प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1968 में आई थी दुनिया। इसमें देवानंद, वैजंती माला, ललिता पवार, प्रेम चोपड़ा, बलराज सहनी थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1968 में आई थी चुप गया आसमान। इसमें राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1968 में आई थी हाय मेरा दिल। इसमें किशोर कुमार, कुमकुम, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 1969 में आई थी दो रास्ते। इसमें राजेश खन्ना, मुमताज, बिंदु, प्रेम चोपड़ा, बलराज सहनी, कामनी कौशल लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1969 में आई थी एक श्रीमान एक श्रीमती। इसमें शशि कपूर, बबीता, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1969 में आई थी अनजाना। इसमें राजेंद्र कुमार, बबीता, निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा, प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1969 में आई थी वारिस। इसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी, नाजमा महमूद, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। प्रेम चोपड़ा जी की अगली मूवी आई थी 1970 में डोली। इसमें राजेश खन्ना, बबीता कपूर, नाजिमा, ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1970 में आई थी प्रेम पुजारी। इसमें देवानंद, वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1970 में आई थी समाज को बदल डालो। इसमें परीक्षित सहनी, शारदा, महमूद, प्राण, प्रेम चोपड़ा थे। अगली मूवी आई थी 1970 में पगला कहीं का। इसमें शम्मी कपूर, आशा पारिक, हेलन, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1970 में आई थी पूरब और पश्चिम। इसमें मनोज कुमार, सायरा बानो, निरूपा राय, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, प्राण मदनपुरी थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 1970 में आई थी हिम्मत। इसमें जीतेंद्र, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, जगदीप, प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जवाब। इसमें जितेंद्र, लीना चंदावरकर, मीना कुमारी, प्रेम चोपड़ा, अशोक कुमार, महमूद लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1970 में आई थी कटी पतंग। इसमें राजेश खन्ना, आशा पारेख, बिंदु, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा। इसमें देवानंद, मुमताज, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी की बात करें तो मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। प्रेम चोपड़ा जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था प्यार की कहानी। इसमें अमिताभ बच्चन, तनुजा, अनिल धवन और प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी हलचल। इसमें ओपी रलहन, कबीर बेदी, जीनत अमान, सोनिया साहनी और प्रेम चोपड़ा और हेलन लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1971 में आप आए बाहर आई। इसमें राजेंद्र कुमार, साधना शिवदासानी, प्रेम चोपड़ा और राजेंद्र नाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर
हिट करार दिया गया। अगली 1972 में आई थी दास्तान, इसमें दिलीप कुमार, शर्मिला टैगोर, बिंदु और प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1972 में आई थी राजा जानी, इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1972 में आई थी गोरा और काला, इसमें राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी अपराधी, इसमें फिरोज खान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार लीड कास्ट में थे। ये मूवी अब एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था बेईमान, इसमें मनोज कुमार, राखी गुलजार, नाजिमा, प्राण, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में रास्ते का पत्थर, इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, लक्ष्मी छाया, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। तो व्यूवर्स, ये प्रेम चोपड़ा जी की मूवीज का 1972 तक का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। अगर कमेंट्स में आए तो और आगे वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में, आपकी कौन सी मूवी फेवरेट रही, कौन सी आपकी मूवी अच्छी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।